लिया। समझ में नहीं आ रहा इनमें से कौन से तार को कैसे निकालना है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आप सभी को सबसे पहले जय श्री श्याम। तो आ गई है हमारे घर में एक और नई मुसीबत। देखिए, हमारा जो है आरओ ख़राब हो गया है और हमने ये आरओ सही कराने वाले जो भैया हैं ये बुलाए हैं। और आज सुबह ही पता नहीं क्या हुआ, जैसे कल तक आरओ सही था पर आज सुबह जैसे मैं उठी ना तो ये बंद हो गया है। और फिर इन भैया ने चेक करा तो इन्होंने बोला है कि अभी इसकी जो है ना मोटर जो होती है अंदर की, ये मोटर ख़राब हो गई है। और इससे पहले भी हमने 6 मंथ पहले भी हमने आरओ में थोड़े बहुत पैसे लगवाए थे। इसकी जो ये अंदर के ये पाइप से लगे होते हैं ना मेम्ब्रिंग, पता नहीं क्या बुलाते हैं, तो ये बता रहे थे ख़राब हो गई है। तो ये मोटर बोल रहे थे ये लगेगी, पर फिर हमने सच बताऊँ ना नहीं लगवाई। फिर ये चले गए हैं वापस से। हमने मोटर इसलिए नहीं लगवाई है क्योंकि कि इन्होंने कम से भी कम 2000 का खर्चा बता दिया आरओ में। इन्होंने बोला कि 1700-1800 की तो मोटर ही आएगी और इसके बाद इसको लगाने का चार्ज जो लगेगा तो आपके 2000 समथिंग का तो पड़ेगा ही सही। तो ये सुनते ही ना हमारा दिमाग ख़राब हो गया क्योंकि हम सब वेट करते हैं। होता है ना महीने के लास्ट तक में तो आपको लगता है कि सैलरी आएगी जब कुछ करेंगे, तो ये है कि भाई अभी हमारी सैलरी नहीं आई है तो हम अभी इतना जो 2000 रुपये खर्च एकदम से नहीं करेंगे। इसलिए फिर हमने इन भैया को मना कर दिया कि आप मत लगाइए। तो अभी मुझे ना वापस से कैंपर वगैरह भरवाने पड़ेंगे। तो ये जो खर्चे होते हैं ना, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें कुछ भी ख़राब हो जाती हैं घर में, तो ये जो खर्चे होते हैं ना यार, ये बड़े ही बुरे लगते हैं। और इनसे ना फालतू जो हमारा पैसा होता है ना वो भी वेस्ट में ही चला जाता है क्योंकि के मतलब एक तरीके से आपके जो भी आप हेल्थ से रिलेटेड आप अगर आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है जब भी आप पैसे वेस्ट करते हो तो वो भी एक वेस्टेज मनी लगता है। और आपके घर में कभी भी कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान ख़राब हो जाए तो भी वेस्ट ऑफ मनी ही हो जाता है एक तरीके से। पर अब क्या करें, कोई चीज़ अगर ख़राब हो जाती है तो उसे सही भी करवानी ही पड़ती है। पर आरओ में हमारे अभी दूसरी सेकंड टाइम वापस से इतना बड़ा खर्चा जो है ना आ गया है। तो फिर अभी ये लग रहा है कि यार अभी इसको सही करवाएं या नहीं करवाएं। फिर हम तो सोच रहे हैं कि क्यों ना नया आरओ ही लगवा लें। अब देखते हैं क्या होगा, मिष्टी के पापा क्या डिसाइड करेंगे। और ये देखिए सब्जी, आलू मटर टमाटर की, ये सब्जी मैंने सच बताऊँ सुबह नहीं बनाई है, ये रात की ही सब्जी है। तो हम लोगों का दिमाग इतना ज़्यादा ख़राब हो गया ना सुन के कि भाई एक खर्चा आ गया है एक मोटा वाला, तो फिर बनाने का मन ही नहीं करा। मैंने पहले सोचा था मेथी के पराठे बना लूँगी पर फिर वो नहीं बनाया। और ये सब्जी रखी हुई थी तो लहसुन की चटनी और चपाती बस मैंने गरम गरम सेक लिए। तो चलिए अभी खाना खा लेते हैं। परेशानियाँ तो लाइफ का हिस्सा होती हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम खाना पीना छोड़ दें। तो भाई खाना तो खाना ही है, तो मैं बैठ गई हूँ खाना खाने के लिए। और मिष्टी के पापा जो है ना चले गए थे बाहर ही, वो ये देखने के लिए गए थे कि मैं मार्केट में एक बार ट्राई करके आता हूँ कि ये मोटर किस रेट में मिलती है। क्योंकि कि कभी कभी क्या होता है ना, सबकी ना रेटें अलग अलग होती हैं, इसलिए इन्होंने कहा कि एक बार ट्राई कर लेंगे, उसके बाद जैसा भी अगर सही लगेगा, अगर हमको सही करवाना होगा तो सही करवा लेंगे आरओ को, या अगर सही नहीं करवाना है थोड़ा सा टाइम रुक के हम नया ही आरओ लगवाएंगे, या फिर देखते हैं क्या होता है। और फिर मैंने ये भी देखा है कि अगर आपके कोई चीज़ ख़राब होने लग जाती ना तो फिर वो बार बार ख़राब होती है, ये हमेशा होता ही है। तो अभी फ़िलहाल मैं खा लेती हूँ खाना। और यहाँ पर ये आ गए थे, उसके बाद ना पता है ये खुद ही कोशिश करने लग गए। फिर मैंने इनसे बोला यार रहने दो, तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम रहने ही दो। खोल तो लिया। समझ में नहीं आ रहा इनमें से कौन से तार को कैसे निकालना है बाहर। यार ये तो मोटर भी पिस्टन से कस रही है भीतर। तो फिर जब इनको लगा के इनके बस की बात नहीं है तो फिर उन्होंने वापस से इसको सेट कर दिया, मतलब इसके पेज जो है वापस से लगा दी, क्योंकि हमें वो काम नहीं करना चाहिए जो हमें नहीं आता है।
ये देखिए भाई ब्रगु आया है बाहर से खेल के। ओ ब्रगु, ओ तू बताना तो तेरे पजामे की हालत, बताना पीछे घूमना। ये देखो ये कहाँ पे बैठा है तू, ये बताना पजामे की हालत। ये देखो ये पजामा गंदा करके आया है, ये इतना सारा मारना नहीं है तो तू ये कहाँ पे बैठा है, कहाँ बैठा था? मिट्टी में बैठा है ना, ऐसे खेलता है बाहर। अच्छा चल खाने में क्या बनाऊँ ये बता। चावल? सच्ची में चावल बना ले? बना लेते हैं यार। है गैस सिलेंडर खत्म हो गया है और मुझे ही चेंज करना पड़ेगा भाई, तो चलिए लग जाती हूँ गैस को चेंज करने के लिए। गैस सिलेंडर सॉरी। अच्छा ऐसे जब भी हम को लगता है ना हम लेट हो रहे हैं काम में और उस टाइम पे गैस सिलेंडर ख़त्म हो जाए तो ये भी एक बड़ी मुसीबत लगती है मुझे। और ख़ास तौर से मुझे इसलिए भी मुसीबत लगती है क्योंकि मेरे जो ना सामान रखा हुआ है थोड़ा एक्स्ट्रा, अब क्या करें छोटी किचन में तो सामान भी रखना ही पड़ता है। तो इसके चलते ना मैं सारा सामान निकालूंगी पहले, फिर गैस सिलेंडर निकालो, फिर गैस को सेट करो, तो थोड़ी सी ना दिक्कत हो जाती है। पर अब क्या करें, चीज़ें हैं तो करनी ही पड़ेंगी, तो मैं गैस सिलेंडर को बाहर निकाल दूंगी फिर नया सिलेंडर लगा दूंगी। तो भाई लगा दिया है गैस सिलेंडर और यहाँ पर देखिए हमारी मिष्टी भगवान की भक्ति में थोड़ी लीन है क्योंकि इसके आ रहे हैं एग्ज़ाम। तो आज इसको भगवान की याद आ गई है कि भाई इस बार मेरे एग्ज़ाम ना भगवान अच्छे से जाने चाहिए, मेरे सारे मार्क्स जो है अच्छे आने चाहिए। और यहाँ पर मैंने खाना बना लिया है, तो खाने में आज सिंपल दाल और थोड़े से चावल बनाए, ज़्यादा नहीं मिक्स वाली दाल बनाई है। और देखिए मैं बाहर चली गई थी किसी काम से तो मेरी रोटी यहाँ से जल गई है। तो ऐसा ही होता है जब आपका दिमाग ख़राब होता है ना तो चीज़ें भी ऐसे ख़राब होती हैं। तो चलिए अभी खाने की वापस से प्लेट लगा लेती हूँ शाम के डिनर की। तो यहाँ पर मिक्स वाली दाल बनाई क्योंकि कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या बनाऊँ और लेट भी काफ़ी हो गई थी मैं खाना बनाने में। तो यहाँ पर मिक्स वाली दाल है, चावल रख लिए हैं और चावल मैंने ज़्यादा इसलिए नहीं बनाए क्योंकि मिष्टी के पापा रात में आते हैं ना तो उनको चावल कम ही पसंद है, तो फिर मैंने बच्चों के हिसाब से ही बनाए हैं थोड़े बहुत। तो दाल चावल और थोड़ी चपाती तो खैर बनाई है क्योंकि के मिष्टी के पापा को चपाती सही लगती है और आज वो भी ना खाना लेकर के नहीं गए हैं क्योंकि दिमाग ख़राब था इसलिए। तो चलिए अभी फ़िलहाल खाना खा लेते हैं, बच्चों को भी खिला देती हूँ साथ के साथ ही खाना। और यहाँ पर मैंने ये जो गर्म पानी वाली थैली होती है, क्या बुलाते हो आप इसे मुझे भी बताना, वार्म बैग होगा शायद, बैग ये गर्म पानी वाला बैग जो होता है, इसे गर्म कर रही हूँ मैं सेक करने के लिए। तो अभी बज गए हैं रात के 10 और हमारा भृगु सो गया है, ये देखिए सो चुका है वो। और मैंने ना ये ब्लैंकेट भी बिछा लिया है बेडशीट के ऊपर, तो काफ़ी ना ठंड लगने लगी है, बेडशीट काफ़ी गलती है। मिष्टी हमारी दूध पी रही है अपना और देखिए लेके आ गई हूँ मैं गरम पानी का। मेरे क्या बैक पेन हो रहा है थोड़ा सा, ये सही रहता है इससे थोड़ा सा सेक कर लूँगी ताकि ये थोड़ा सा रिलीफ मिले दर्द में। तो चलिए इसी के साथ इस वाले वीडियो को करती हूँ यहीं पर एंड। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, बाय।